हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आ जाइए यूरिया सब्सिडी स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम में जो पॉइंट है वो देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने जो यूरिया सब्सिडी स्कीम थी इसको 2020 तक आगे अप्रूवल है वो दे दिया है। मतलब बिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसके द्वारा जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सब स्कीम चलाई जा रही थी इसको 2020 तक पोस्टपोन अब किया गया है, वो रख दिया गया है। पहले 2017 तक का इसका प्रस्ताव था। तो इसके बारे में न्यूज़ आई है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह आती है कि जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है यह मेनली किसानों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और किसानों के लिए जो फूड सिक्योरिटी अहम होती है उन सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है। अब एक चीज में यह ध्यान रखनी है कि यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें जो पैसा है सारा 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसके थ्रू बजट में इसमें अलग से प्रावधान है वो क्या जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूरिया सब्सिडी स्कीम में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मेथड है वो थोड़ा अलग तरीके से है। किस तरीके से है वो भी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे घरों में गैस कनेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें यह प्रावधान होता है कि पहले हम सिलेंडर की फुल प्राइस पे करते हैं, उसके बाद जो भी अमाउंट होती है सब्सिडी की वो गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में पे कर देती है। ये होता है गैस सब्सिडी में। बट यूरिया सब्सिडी में ऐसे होता है कि हमें जो, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि एक यूरिया कट्टा है वो है 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का यूरिया कट्टा और उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 300 रुपये की, तो उसकी जो फाइनल कॉस्ट कितनी होगी वो होगी 700 रुपये। तो मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों को बोलेगी कि भाई आप 700 रुपये पे करो वहाँ पे जाके जो यूरिया के सेंटर है वहाँ पे, और उसके बाद 300 रुपये वो क्या होंगे, गवर्नमेंट तुरंत उस टाइम पे ऑन द स्पॉट ही जो पैसे ट्रांसफर कर देगी, जो भी कंपनी है मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को बना रहा है उसको दे देगी 300 रुपये। तो मतलब इसमें कस्टमर के पास पैसा आने का प्रावधान नहीं रहेगा, तो इसमें कस्टमर को झंझट झमेला वो सीन रहेगा नहीं। देखो, जो LPG वगैरह में तो दिक्कत ही होती है, भाई किसानों को पहले पूरे LPG के पैसे चाहिए होते हैं उसके बाद ही वो सिलेंडर खरीद पाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें यूरिया सब्सिडी स्कीम में ये प्रावधान है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ट्रेडर्स हैं उनको दिया जाएगा, किसानों को नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए ये स्कीम है, वो भी आपको उसके बारे में ध्यान है वो रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है साहित्य अकेडमी के बारे में। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्य अकेडमी के बारे में। देखो, साहित्य अकेडमी है यह मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 1954 में इसका गठन है वो किया गया था। अब साहित्य अकेडमी का काम क्या है, साहित्य अकेडमी का काम यह है कि जो भी लिटरेचर है हमारे देश में मैंने 24 लैंग्वेज के उनको प्रमोट करना ताकि उनकी एक वैल्यू है वो बनी रहे और पूरे विश्व में उनकी जो पहचान है वो आइडेंटिटी है उन सबको संवारा जा सके, उसके लिए बेसिक ये साहित्य अकेडमी है वो काम करते हैं। मतलब ये ध्यान रखना आपको कि लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए साहित्य अकेडमी इसका निर्माण किया गया था। और यह आपको इसका दूसरा काम ये होता है कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसका एक इंडायरेक्ट फायदा ये भी होता है कि देखो, जब साहित्य को प्रमोट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस हैं वो आपस में एक जगह के मिलती हैं, आपस में उनमें कम्युनिकेशन होता है, तो जिसकी हेल्प से हमारे देश की यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, डाइवर्सिटी यूनिटी, उस कॉन्सेप्ट को भी फायदा है वो मिलता है। तो ये इसके बारे में बेसिक न्यूज थी, जो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट उन्नति और क्या इस पर UPSC बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। तो वो प्रोजेक्ट उन्नति है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। अब इसका काम क्या है, प्रोजेक्ट उन्नति गवर्नमेंट ने इसलिए चलाया ये प्रोजेक्ट ताकि देखो हमारे देश के जो पोर्ट है ना उनकी हालत थोड़ी सुधारी जा सके। अभी देखो हमारे देश के जो पोर्ट हैं वो आपको पता है काफ़ी पुराने हैं, तो वहाँ पे जो भी मैकेनिज्म यूज की जाती है, जो भी उपकरण वगैरह यूज किए जाते हैं जैसे क्लियरेंस वगैरह के लिए या फिर माल ढुलाई वगैरह के लिए, बाकी और भी सारे काम के लिए पोर्ट्स पे, वो सारे उपकरण के काफ़ी पुराने तरीके के हैं। मतलब उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, जो लेबर है वो ज़्यादा लगती है और उसकी वजह जो आउटपुट है वो आता है कम। तो इसीलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई क्यों ना जो एक तरीके से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के उपकरण वगैरह हैं उनको यूज किया जाए, और उसकी हेल्प से फायदा ये होगा कि हमारे देश का शिपिंग जो सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा और आगे जो माल ढुलाई की क्षमता है उसमें भी गति है वो आएगी। तो इसलिए पोर्ट का जो टेक्निकल तरीके से डेवलपमेंट करना, इसके साथ जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन के लिए और उनको मॉडर्न बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट उन्नति वो स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री बिल्कुल ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इसको स्टार्ट है वो किया गया है, क्योंकि नाम वाम से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई प्रोजेक्ट उन्नति किससे रिलेटेड वगैरह है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है CCRAS के बारे में। क्या है CCRAS? CCRAS का मतलब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि CCRAS ने दो नई ड्रग मेडिसिन है वो बनाई हैं जो कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फुलफिल है वो कर रही हैं। तो कौन सी दो ड्रग्स बनाई हैं, उनका नाम क्या है? सबसे पहला आता है आयुष 82
आयुष 82, दूसरी है आयुष SG। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आयुष SG और आयुष 82 है जो नई मेडिसिन बनी है, ये आयुष 82 है, ये मेनली दोनों ही है, ये सॉरी आयुष SG है, ये तो बनाई गई है गठिया रोग के लिए, मतलब जो पैरों में जोड़ों में दर्द वगैरह होता है उसके लिए, और ये बनाई गई है मैली जो डायबिटीज़ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आपको इतना तो याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि आयुष एस अगर एग्जाम में आ जाए कि आयुष 82 वगैरह रिसेंटली, तो वो ध्यान रखना है कि CCRS के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम CCRS की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आती है मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है। अब देखो एक चीज़ UPSC ने पहले क्वेश्चन पूछा भी था 2015 में कि आयुष के अंदर कौन कौन से सारी इंडियन जो मेडिसिन इंडियन जो मेथड है वो इंक्लूड है या नहीं है, इसमें एक फॉरेन मेथड भी इंक्लूड है वो है यूनानी। आयुष का मत ए का मतलब है यहाँ पे आयुर्वेदा, वाई का मतलब है यहाँ पे यूनानी, और यू का मतलब है यहाँ पे योदा, और इस सॉरी यू का मीन्स मतलब अभी ध्यान नहीं, आई थिंक यू का मतलब यहाँ पे यूनानी है और वाई का मतलब यहाँ पे आयुर्वेदा, तो आपको एक बार चेक कर लेना, और एस का मतलब यहाँ पे सिद्धा और एस का मतलब होम्योपैथी, तो आप एक बार चेक कर लेना इसको। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की इसमें यूनानी मेथड है उसको भी इंक्लूड किया गया, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है WCRD के बारे में, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में, जो कि कल था 15 मार्च को मनाया जाता है, तो उसके बारे में कंटेक्स्ट है, देखने की कोशिश करते हैं कि इस बार की थीम क्या है, क्योंकि UPSC इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में थीम वगैरह पे ज़्यादा फोकस है वो करती है। तो देखो पहले तो बात ये आती है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे है वो मनाया क्यों जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट है ना उनको एक्चुअली लोगों को अवेयर करवाया जा सके, मतलब जो कंज्यूमर के बेसिक राइट हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए, प्रोटेक्ट एक तरीके प्रमोट करने के लिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि भाई हमारे कंज्यूमर होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं, उन सब के बारे में इसको स्टार्ट है वो किया गया है। तो इस बार की थीम है वो ये थी मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेरियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस बार की थीम क्या है, कि इस पे UPSC क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है ई ऑफिस के बारे में, कि ई ऑफिस प्रोग्राम, कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट की 24 मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसको ई ऑफिस को प्रोग्राम को अनुमति है वो दे दी है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ई ऑफिस प्रोग्राम है वो क्या है और क्या इस पर बेसिक UPSC पूछ सकती है। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ई ऑफिस प्रोग्राम है वो मेनली एक मिशन मेड प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत है, मतलब अब आपको समझ में आएगा कि भाई डिजिटल बनाने के लिए कुछ उससे रिलेटेड वगैरह है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है एक तो कि ई का मतलब हो गया ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से रिलेटेड है। इसका काम ये है कि जो भी ऑफिस वगैरह डिपार्टमेंट है उन सब में काम है उसको एक तरीके से पेपरलेस करना, मतलब पेपरलेस काम की तरफ फोकस करने के लिए, जैसे कोई भी छुट्टी वगैरह चाहिए लीव वगैरह के लिए, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है वो सारा डिजिटल ऑनलाइन रहेगा, इसके साथ ही टूर वगैरह की टिकट वगैरह वो सारी ऑनलाइन रहेंगी, या फिर नोटिस है वो भी ऑनलाइन नोटिस वगैरह ई नोटिस है उस पर फोकस किया जाएगा। तो मतलब डिजिटल चीज़ों की तरफ फोकस करने के लिए इसका स्टार्टिंग है वो की गई है ताकि पेपर की बचत है वो की जा सके, तो उसके बारे में प्रोग्राम में स्टार्ट किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है वो देख लेने की हम कोशिश करते हैं। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है पर्सनल पब्लिक ग्रेवांस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो टेक्निकल इसमें काम होगा, जो भी वेबसाइट वगैरह या जो भी सर्वर वगैरह काम होगा, वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, NIC है जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है, डाटा वगैरह है, ईमेल वगैरह वो सारे कंट्रोल है वो करती है। तो ये थी वैसे डिस्कशन, अब हम आगे देखने की कोशिश करें। देखो आज हम दो तीन एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे हम ईयरबुक के थ्रू, ताकि जो हमारी भारत जो ईयरबुक आती है 2018 की उसके कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो मेन प्रावधान ये रखा गया है कि डेली हम पाँच छः अगर चीज़ें ईयरबुक से डिस्कस कर लेंगे तो हमें काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि देखो आजकल न्यूज़ में कोई इतनी खास न्यूज़ आ नहीं रही है, केवल वही पहनी की पुरानी न्यूज़ है उनको रिपीट आ रही है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, तो जो भी हम नई न्यूज़ है उनको तो यहाँ पे डेली करो एक तरीके से कंट्रोल कर ही रहे हैं। इसके साथ जो भी ईयरबुक में न्यूज आई है या जो भी ईयरबुक में नया डाटा है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है देखा नहीं है, उस डाटा को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज ईयरबुक के दो तीन चैप्टर से मैंने कुछ न्यूज वगैरह उठाई है उनको। सबसे पहले आज एक आर्टिकल और था आजकल दो तीन दिन से न्यूज में, वो था बोधी हिल के बारे में, तो वो देख लेते हैं बोधी हिल के बारे में क्या था। देखो बोधी हिल है वो आपको ये ध्यान रखना कि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर वाले एरिया पे, इस वाले एरिया में बोधी हिल है और यहाँ पे भी आपको पता रिसेंटली आग भी लग गई थी, तो उसके लिए सुर्खियों में भी था। कंटेक्स्ट अभी रिसेंटली आजकल एक ये चलता है कि यहाँ पे एक न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, तो उसको लेके यह आइए कि भाई न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है उसके बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है वो बोधी हिल के अंदर ही लगाया जा रहा है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी न्यूट्रिनो होता है, जैसे कि हमारे जैसे कि एटम होता है उसके अंदर परमाणु होता है ना, परमाणु अणु वगैरह इन सब के बारे में एक न्यूट्रिनो भी होता है उसके बारे में रिसर्च वगैरह के लिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बोधी हिल के अंदर एक नई लेबोरेटरी है वो भी बनेगी है, और यहाँ पे जो एक
तमिलनाडु का एक फेमस यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है मुन्नार, वो भी इन्हीं पहाड़ियों पे स्थित है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मट्टिकन सोला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मट्टिकन सोला नेशनल पार्क है वो बोधी हिल में, क्योंकि देखो अभी न्यूज़ में आग वगैरह लगी है, इसके साथ ही यूपीएससी यहाँ से पूछ सकती है। अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं, एक दो न्यूज़ है वो देखो, इनके सब के आपको नोट्स वो नहीं मिल पाएंगे, जो भी हम ईयर बुक से कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं उसके आपको नोट्स हैंड रिटन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो केवल मैंने पॉइंट्स के तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, बाकी जो हमारे डेली डिस्कशन है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जो ई रकम के बारे में एक न्यूज़ थी उसको देख लेते हैं कि भाई ई रकम है क्या। ई रकम देखो मेनली जो किसानों के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्टिंग है वो की गई है। ये एक तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका मेन मोटो ये रखा गया है कि ताकि किसान है वो मंडी वगैरह ना जाए, मंडी वगैरह उनको ना जाना पड़े, और आपस में ऑनलाइन ही मंडी के थ्रू अपना ट्रेड वगैरह फसल वगैरह वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो इसके लिए इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसे किसने बनाया है ये ई रकम एक ऑनलाइन पोर्टल, इसको इसको बनाया है MSTC ने लिमिटेड ने, ये इतना आपको याद नहीं रखना, बस बेसिक आप ये ध्यान रखना कि किसानों को किसान अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकें बेच सकें, इसके लिए ई रकम एक पोर्टल बनाया गया है जो कि किसके साथ काम करके वो काम करके सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिक ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखने कर सकते हैं दो तीन न्यूज़ और, एक है वो है LDC के बारे में, लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग के बारे में, तो इसको हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये है क्या, एक सेकेंड। हाँ LDF के बारे में देखते हैं, देखो LDF का मतलब ये है कि जो जैसे कई बार किसान वगैरह होते हैं इनके पास जो पशुधन होता है इसमें कई बार काफ़ी सारे रोग हो जाते हैं, तो किसानों को पता नहीं चल पाता है कि भाई कौन से रोग वगैरह हो गए, तो उस कंडीशन में एक तरीके से पोर्टल एप्लीकेशन बनाया गया है, इसमें यह रखा गया है कि भाई जो भी डिजीज़ वगैरह हो सकती है जैसे किसी भी मौसम के अकॉर्डिंग, उन सारी डिजीज़ के बारे में जो फार्मर्स हैं उनको सारी अवेयरनेस है वो रखी जाएगी, जैसे कोई भी उनके पशु वगैरह कोई भी दिक्कत हो सकती है कि भाई जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्म है वो किया जाएगा, तो इसके लिए पोर्टल है वो बनाया गया है। अब यह पोर्टल किसने बनाया है, यह पोर्टल बनाया है ICAR के द्वारा, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर सॉरी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया है, तो आपको ध्यान रखना कि LDFF है वो क्या है। इसके साथ ही हम देखते हैं APED के बारे में, APEDA, APED का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो यह इस अथॉरिटी का मेनली काम ही है कि जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको एक्चुअली आगे मतलब थोड़ी उनकी सहूलियत है वो देना, उनको फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी फ़ायदा होना, क्योंकि देखो जो जो हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जैसे कि अनार फ्रूट हुआ सब्जी वगैरह हुई, इन सबको हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड किया जाता है, और इनका फ़ायदा ये होता है कि इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एप्लीकेशन बनाया है ताकि इनको रेगुलेट वगैरह किया जा सके और जैसे इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी हो सके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। APEDA क्या है, APEDA के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद में UPSC एक वो पूछ सकते हैं वो है मन्नू के बारे में, मन्नू ऐप MANNU, तो मन्नू ऐप है वो मेनली केरला गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ये भी मेनली किसानों के लिए बनाया गया है। मन्नू ऐप है उसका मेन काम यही है कि किसानों को जो फसल वगैरह पैदा की जाती है उनके बारे में उनकी फसल के बारे में अवेयरनेस करवाएगी, कि जैसे जो गेहूं की फसल बो रहे हैं तो उनके बारे में बताएगी कि आपकी मिट्टी इस वाले एरिया में ऐसी मिट्टी है तो आप गेहूं की ये वाली फसल बोइए या फिर आपके लिए चने की फसल उत्तम रहेगी, तो मतलब किसानों को एरिया के अकॉर्डिंग फसल का सुझाव है उसको देने के लिए, और इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर फोकस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन और बना था उसका नाम है जय जवान जय किसान ऐप, तो जय किसान ऐप है वो मेनली बनाया गया था गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसानों से रिलेटेड था। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।